पकड़ी को बना लिया। तो दोस्तों आज हमारे घर में है पूजा, तो उसके लिए मैं देखिए पूरी तैयार हो गई हूँ और बाहर औरतें भी सब आ गई है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है दशा रानी की पूजा, और हमारे यहाँ इसे दशा रानी की पूजा कहा जाता है। जो हमारी गैया का पहला बछड़ा हुआ है उसी के उपरांत ये वाली पूजा रखी जाती है गांव घरों में। तो यहाँ पे देखिए मेरी जेठानी जी और चाची जी लोग आ गई हैं, और गांव की कुछ औरतें आई हैं जो इस पूजा में हमेशा ही शामिल रहती हैं। और तो देखिए सारी तैयारियां मैंने करके रख ली थी, और अब दोपहर का समय हो गया है। हम सभी औरतें अभी के समय में व्रत हैं, और जब पूजा पाठ हो जाएगा तो हम यहीं पे चरणामृत वाला शरबत जो है वो पियेंगे सभी लोग, और उसके बाद व्रत खोलेंगे। दोस्तों हर जगह का अलग अलग नियम, अलग अलग पूजा पाठ अलग अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरीके का है। आपके यहाँ भी अगर ऐसी दशा रानी पूजा मतलब इस तरीके की पूजा होती होगी तो कमेंट करके बताइएगा। यूपी में ज़्यादा चलता है ये। जब गाय पहली पहली बार ब्याती है तो उसी का मतलब जो बछड़ा होता है उसका उसके लिए पूजा की जाती है। तो यहाँ पे देखिए सारी औरतें इकट्ठा हो गई हैं, और अगरबत्ती वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है, और उसके बाद कथा पूरी कही जाएगी जो दशा रानी व्रत का जो पूरी कथा है के कथा में बताया जाता है ना कि आखिर क्या नियम धर्म है और किस कारण से मतलब दशा रानी की पूजा की जाती। तो यहाँ पे वही मैं लाकर भोजन बनाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई पर किसी ने उसे आग नहीं दिया और कहा कि जब तक दशा रानी की पूजा ना हो जाएगी आग नहीं और तो आंटी नहीं है क्या? नहीं है, ताली बजाइए सब जाने। दोस्तों यहाँ पे शामिल सभी लोग देखिए पैर में आलता लगा रहे हैं, और सभी सुहागन औरतें हैं तो सभी लोग अपने अपने पैरों में आलता लगाएंगी, और उसके बाद जो व्रत है वो तोड़ेंगे। और भी बहुत से विधि विधान है जो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। चाची जी ने पान के पत्ते में कुछ लिखा और उसी की जो है ना पूजा हो रही है, और पटला वगैरह देखिए पूरा सजा दिया, चूड़ी बिंदी ये सब चीज़ें सजाई गई थी। और यहाँ पे दोस्तों हम आ गए हैं कुआं पूजन करने, कुएं के पास, और इसके बाद अब हम जाएंगे घर को, और उसके बाद खुलेगा सभी लोगों का व्रत। तो देखिए ये कुआं था और कुएं के पास हम लोग आए थे, और दोस्तों धूप बहुत हो रहा है, पूरे पैर हमारे जल रहे थे नंगे पैर, क्योंकि आना था यहाँ पे, और अब आते समय भी पैर जल रहे थे, अब भी बहुत ज़्यादा पैर जल रहे हैं, लेकिन घर पास में ही है तो कोई नहीं। यहाँ पे दोस्तों जो हमारी पंड्यातन चाची हैं वही सबको मतलब प्रसाद दे रही हैं, और लेकिन ये है कि यहाँ पे मैंने सुबह तो लिपाई करी थी जब छाया था, उसके बाद पूरे में धूप हो गया तो सभी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, छाया ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे हम लोग बैठ रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों सभी लोग पी रहे हैं शरबत, और आस्था के पापा को भी भिजवा दिया है क्योंकि प्रसाद का रूप है ये प्रसाद, तो ठंडा थोड़ा सा पानी मिला दिया था जिससे और स्वाद बढ़ गया है इसका, और बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोगों को यहाँ पे। और दोस्तों पीछे से वॉइस आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, और अभी यहाँ पे भागवत चल रही है उसी का है, तो कल के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे जहाँ पे भागवत हो रही है वहाँ पे, मतलब वहाँ का दृश्य आपको कल के दिन हम दिखाएंगे। और आज अब सुबह हो गई थी क्योंकि पूजा वगैरह के बाद फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाई हूँ, और ना मैं ब्लॉग शूट कर पाई हूँ, और अब सुबह हो गई है तो सुबह घर की सफाई कर रही हूँ, आस्था स्कूल के लिए तैयार हो रही है। और दोस्तों आज के दिन जो हमारा किचन के उधर वाला कमरा, हमने न्यू कमरा बनाया था, उस कमरे में छपाई होनी है, तो ब्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। ये है कि बस मेरी आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, और यहाँ पे देखिए आस्था अपना अवार्ड दिखा रही है आप सभी को, अवार्ड नहीं ट्रॉफी दिखा रही है।
दोस्तों, आज हम फिर से थोड़ा सा मिट्टी का काम और करने जा रहे हैं। और आज होगी छपाई कमरे के अंदर की, जहाँ पे हमारी गाय कर दें। उसके बाद क्या होगा कि गाय को वहाँ पे बांध देंगे, और वो जो किचन वाला एरिया है वो बिल्कुल, और उसके बाद फिर किचन में ही सारी जितना भी सही करना है किचन में सही करना स्टार्ट करेंगे। मतलब छापना और लिड़ौड़ी वहाँ से हटाना, गाय पहले इधर आ जाए उसके बाद। दोस्तों, ये जो दीवार है इसी वाले दीवार की छपाई करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सारे सामान हटा देती हूँ, और ये दरी वगैरह भी। यहाँ पे दोस्तों, कल के दिन आस्था के पापा जो आम लेके आए थे छोटे छोटे कच्चे कच्चे, तो आम तो इन दिनों बहुत अच्छे लगते हैं। अचार इसका अगर अभी बन जाए तो बहुत अच्छा था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आम को मैंने काट के नमक में मिला के छोड़ दिया था। और उसके बाद अब इसका जो पानी है वो पूरा निचोड़ चुका है, लेकिन धूप दिखा देंगे थोड़ा सा और सूख जाए, और जब अचार बनाएंगे तो उसके बाद वो ख़राब ना हो। तो अब दोस्तों, बाल्टी लेके पानी लेके और गीली, वो जो उस दिन हमने मिट्टी फुलाई थी वो करी थी, गीली करी थी, वो मिट्टी मैं लेके आ गई हूँ दीवार पे छपाई करने। और दीवार की हालत देख लीजिए कैसी है, और ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना कि बिल्कुल दरदरा सा है, ना कलर हो पाना है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और अच्छा भी नहीं दिखेगा ये कमरा। तो बस इसीलिए यहाँ पे हम छपाई कर दे रहे हैं, ताकि दोस्तों देखिए यहाँ पे छपाई हो जाएगी तो वो दोनों कमरे बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे। जब वहाँ पे कलर और लिपाई पुताई हो जाएगी तो वो कमरे बिल्कुल साफ़ रहेंगे, क्योंकि गाय की वजह से वहाँ पे धूल मिट्टी होती है, आना जाना होता है, और जब तक गाय है वहाँ पे तो हम वहाँ पे कुछ अपना सामान नहीं रख पा रहे, और गाय के पैरों से धरती भी बहुत ज़्यादा खुद जाती है, तो छाप भी नहीं सकती मैं वहाँ पे जहाँ पे अभी गाय बंद रही है। तो इसलिए गाय को पहले हम यहाँ करेंगे, और उसके बाद वहाँ किचन जो बनाया है, किचन में छपाई और सारी चीज़ें वहाँ का सही करेंगे। दोस्तों, आप सब कुछ जानते हैं कि हम बिल्कुल अकेले हैं, सपोर्ट के लिए हमारे साथ कोई नहीं है। बस आप अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और जो हमारे ब्लॉग में आज नए आ रहे हैं, ब्लॉग अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आ रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री में है, नीचे लाल रंग का बटन आ रहा होगा। और बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए आप अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, सच बताऊं तबीयत भी ख़राब है, और मेरी हालत मतलब टेंशन के कारण दिमाग ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब घर में टेंशन बढ़ गई। जब से उस घर को छोड़ा है तब से यहाँ पर हर चीज़ मैनेज करना, सही करना, इन सब के पीछे ना हमारे दिमाग में इतना टेंशन हो गया, इतना टेंशन। तो दोस्तों इसलिए दीवार में ऐसे छपाई हम कर दे रहे हैं, वरना ये जो दरारे हैं इनमें कीड़े छोटे छोटे घुस जाते हैं, और मतलब सही नहीं रहता, कुछ भी इन दरारों में घुस सकता है, कीड़े मकोड़े। इसके कारण बस यहाँ पे सेफ्टी के लिए ऐसे दरारों को भरने के लिए ऐसे छाप दिया है। बेशक यहाँ पे गाय को ही बंधना है, लेकिन फिर भी अच्छा दिखेगा ऐसे लिप जाएगा तो, और कलर भी कर देंगे, चाहे गाय भी रहे इसमें कलर कर देंगे तो और अच्छा लगने लगेगा।
तो दोस्तों हमारी जो गाय है वो देखिए चरने के बाद आ चुकी है, तो इसके लिए गेट खोल देंगे क्योंकि बाहर बहुत धूप है और हट जा धूप लगेगी इसे, तो ये अंदर आ जाए छाए में बैठ जाए। पानी आनी पिला देंगे थोड़ा इसे। तो देखिए इसे पूरा रास्ता पता है, सीधे आके पहले अपने बच्चे को देखेगी, पहले सीधे पानी ढूंढ रही है, प्यासी है। आ गई चर के। तो दोस्तों प्यास तो उसे लगी हुई है देखो, और इसको जितना खाना मैंने उसके लिए रखा था इसके लिए इसने खा लिया। चर के नहीं आई क्या कज्जू, तुझे आते ही भूख लगी है, हैं? बता। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसके गले में रस्सी डाल पाती हूँ या नहीं। आज तक के पापा ही हमेशा डालते, मैं कभी रस्सी इसके गले में डाल नहीं पाई हूँ, और आज कोशिश करते हैं क्योंकि अभी ये आ गई है। अगर ये कमरा खुला देखेगी और मैं नहीं रहूँगी तो शायद ये कमरे में भी घुस जाए, तो रस्सी से अब इसे रस्सी पहना के रखना ज़रूरी है, नहीं तो ये इधर उधर पूरे में फिरेगी। एक दिन घर में घुस गई थी और गुड़ की पन्नी से गुड़ उड़ सारा इसने अब फैला दिया था, खा तो नहीं पाई थी लेकिन फैला दिया था। तो पहले चलिए इसे बांध देते हैं, अब बांधा तो है नहीं मैंने पहले कभी, ये देखिए कैसे कर रही है। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करते हैं आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा आप सभी को, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।